कल अर्धरात्रि में इन्होंने एक सूची जारी करते हैं 88 नामों की, जिसमें इन्होंने खूब घमासान होने के बाद, पुतला दहन होने के बाद, विरोध होने के बाद तीन जगहों पर इन्होंने टिकट बदले। कपड़ा फाड़ने वाले कांड के बाद पिथौड़ से इन्होंने शैलेंद्र सिंह का टिकट काट के लोधी जी को दिया। शिवपुरी का मामला अभी भी अटका हुआ है और शिवपुरी में अभी जिस समय अपन बात कर रहे हैं ना, उस समय भी कांग्रेस के नेताओं का बहिष्कार इन्हीं के लोग कर रहे हैं। इन्होंने कल आप देखिए कि सुनील सराफ, जो कि ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोपी है, उसको कोतमा से वापस से टिकट दिया। वो बातें करते हैं महिलाओं की, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा आके बार बार कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सारी बातें करती है। छेड़छाड़ के आरोपी को इन्होंने कल टिकट दे दिया। यदि आप फिर इसके अंदर कल की जो सूची आई है ना, इसमें केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने लोगों को दिला दिए सारे के सारे टिकट, और बाकी इतने कांग्रेस के छत्रक हैं, चाहे वो अरुण सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, सब हाथ बलते रह गए। यहां तक कि यह हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व को धक्का दिखाते हुए नकुल नाथ ने जो तीन टिकट सूची आने से पहले घोषित किए थे उनकी भी सूची आ गई। कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा के टिकट नकुलनाथ मतलब उनके बेटे घोषणा करेंगे, उन्होंने सूची आने के पहले ही घोषणा कर दी थी तीन नामों की, वही के वही नाम सूची में आते हैं। दूसरा आप देखिए कि भोजपुर, जो कि सुरेश पचौरी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनका क्षेत्र है, वहां पे उनके एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, खूब इनका कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। दिग्विजय सिंह जी अपने समर्थकों को दिला दिए। भोपाल के जितने टिकट आए एक एक टिकट पर दिग्विजय सिंह की छाप है, वो किसी की भी छाप नहीं मिल रही है। शुजालपुर ने दिग्विजय सिंह जी ने अपने व्यक्ति को काटकर कमलनाथ के व्यक्ति को काटकर अपने व्यक्ति को टिकट दिलवाया, खूब इनका जूतम पेयर का माहौल है। खंडवा, बुरहानपुर, नेपा नगर, ये क्षेत्र किसका है? ये अरुण यादव का है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। कमलनाथ ने अपने लोगों को टिकट दिलवाया, अरुण यादव के सारे टिकट काटकर, उनके भाई के अलावा किसी को भी तक टिकट नहीं मिला है। सेम चीज है धार में, देखो आप धार में दिग्विजय सिंह समर्थक को टिकट मिला, कमलनाथ के लोगों को नहीं मिलने दिया दिग्विजय सिंह जी ने। जावद में देखिए, और महू में तो आज जो नारे लगे हैं ना, महू में जो दरबार का टिकट काट के दूसरे व्यक्ति को दिया गया, चिंतित है उसके बाद तो अपने लिस्ट के बारे में कांग्रेस कार्यकर्ता क्या लगा रहे नारे, सुन लीजिए आप, कांग्रेस कार्यकर्ता ने नारे लगाए पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, और आप ये देखिए ना कि महिला कांग्रेस की प्रदेश विरोध में अपराध जैसे ही फुड़िया आती है वो अपना इस्तीफा फेसबुक पर देती है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, आंतरिक विस्फोट हो रहा है।